जो भी अभी वायलेंस बढ़ता जा रहा है, कल भी हमारा कोई मरा है चिरचांदपुर में, अभी भी अटैक बंद नहीं हुआ है, अभी भी वो लोग हमारे ऊपर हमला करते जा रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी शुरू से ही उन्होंने कुछ क्या होता, कुछ बोला होता, तो फिर हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। अभी से हालत बहुत नीचे हो जाता है। आपको लगता है प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए? विदेशों का दौरा कर रहे हैं, इलेक्शन में बिजी हैं, बट मणिपुर नहीं जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मणिपुर जाए या ना जाए, इससे ये तो उनका ही डिसीजन है, पर अगर वो जाते भी नहीं तो फिर कम से कम उनको अपना आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि मणिपुर भी भारत का हिस्सा है। हम भी अपने आप को इंडियन समझते हैं, तो फिर अगर वो साउथ में इलेक्शन कैंपेन के लिए जा सकते हैं, अगर वो इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे करने के लिए बहुत सारे देश विदेश भी जा सकते हैं, तो फिर वो क्यों मणिपुर नहीं जा सकता? वो क्यों मणिपुर के बारे में कुछ ट्वीट नहीं कर सकता? क्या हम उनका 2 मिनट के लिए भी लायक नहीं है? उन्होंने बोला तो था, 30 सेकंड्स बोला उन्होंने, एथनिक वायलेंस के बारे में नहीं बोला उन्होंने, उन लड़कियों के बारे में बोला। फिर जब हमने क्वेश्चन किया तभी उन्होंने बोला, और वो भी 2 महीने, अभी तो 3 महीने भी होने वाला है, उन्होंने 3 महीने रुका अपना आवाज़ देने के लिए, और वो भी सिर्फ उसके बाद कि हमारे पास साबित था और हमारे पास प्रूफ एविडेंस था, उसके बाद ही उन्होंने अपना आवाज़ उठाया। अमित शाह कह रहे हैं कि मणिपुर का जो वीडियो, अमित शाह होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ है वो एक साजिश के तहत वायरल किया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे देखिए, वो जो लड़कियां हैं वो हमारे कुकीज़ो कम्युनिटी से हैं, और हमने तो वो वीडियो लिया ही नहीं, मैतेई वालों ने किया है उनके साथ ये बदतमीजी, मैतेई वालों ने उनका ये वीडियो लिया है, तो फिर उन्होंने ही लीक किया होगा ना, शायद गलती से अपने अंदर सर्कुलेट करते वक्त उन्होंने गलती से लीक किया होगा। हमारा इसमें कोई काम नहीं है, हमारा कोई प्री प्लानिंग नहीं है, और हम ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम जाके उनका वीडियो छीने या लीक करें, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट भी नहीं है, सिर्फ इम्फाल वैली में ही इंटरनेट है। प्रधानमंत्री मोदी को कितना जिम्मेदार मानती है मणिपुर में जो कुछ हो रहा है इस पर? एक देश में जो सबसे बड़े कुर्सी पर बैठते हैं उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है कि भारत के कोने में उनके जो सिटीजन्स हैं उनका क्या हाल है, उनका वो स्टेट कौन से कंडीशन है, उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो फिर अगर उन्होंने खुद ने बोला था कि अगर एक राज्य को कोई संभल नहीं सकता तो फिर उस राज्य के ऊपर बैठने का उनका कोई लायक नहीं है, तो फिर मोदी जी मैं कहना चाहूँगी आपसे भी कि अगर आप विदेश जाके दुनिया के बड़े बड़े लोगों को गले लगा सकते हो तो फिर आप मणिपुर जाके उनको गले क्यों नहीं लगा सकते, उनसे हाथ क्यों नहीं मिल सकते जिनको जो इस एथनिक वायलेंस से बहुत अफेक्टेड है, जिनके परिवार मरे हुए हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए अभी कुछ और कुछ नहीं बचा है। क्या आपको लगता है कि जिनके बारे में कहा जाता है कि फोन पे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो क्या वो मणिपुर नहीं रुकवा सकते थे? अगर चाहते तो क्यों नहीं रुकवा सकेंगे? देखिए, जब 1975 को जब भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, बहुत सारे अपोजिशंस ने बोला कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने किया है उनका पर्सनल मैटर है, जिन्होंने उनसे पर्सनली नफरत किया है उन्हीं की वजह से किया है, उन्होंने ये इमरजेंसी जो है पर्सनल लाइन से किया है। पर आज जब बीरेन सिंह जी हमारा जो सीएम है मणिपुर का, जब वो भी पर्सनल नफरत के वजह से कम्युनल लाइन से हमारे ऊपर ऐसा कुछ जो घटना घटा है, हमारे ऊपर ये हमला हो रहा है उनका ही सपोर्ट की वजह से है, जब वो कर रहे हैं तो फिर सेंट्रल भी चुप क्यों है या भारत का सरकार चुप क्यों है, इसे रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कहा? ये साजिश है क्या प्रधानमंत्री मोदी की और वीरेंद्र सिंह की कि मणिपुर को बांट दिया जाए, मणिपुर में हिंसा हो, कुछ साजिश लगती है आपको? हमें उनका अंदर का बात तो नहीं पता, पर हमें ये तो पता है कि मोदी जी को बहुत मोदी जी और बीरेन्द्र सिंह जी दोनों बहुत क्लोज टाइम्स में हैं, और उनको पहले दिन से पता होगा कि मणिपुर में ऐसा जो है वो सब चल रहा है, और
और ये जो मेईतेई लोगों कर रहे हैं वो अगर चाहते तो फिर रोक सकते थे, एक ही फ़ोन कॉल में रोक सकते थे। अगर जैसे कि उनके भक्त ने कहा है, उनके फॉलोअर्स ने बोला है कि एक फ़ोन कॉल से रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई है वो रुकवा दिया, तो फिर मणिपुर एक छोटा सा राज्य हम गिनने में भी बहुत कम है, तो फिर हमारा लड़ाई क्यों नहीं रुक सकता। अगर वो चाहते तो फिर वो बिना आके भी एक फ़ोन कॉल से रुकवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब हो सकता है कि वो बिरेन को अपना आवाज ना उठाने से सपोर्ट कर रहा है। बिरेन सिंह ने इस्तीफा देने गए थे वो, तो एक महिला ने उसे इस्तीफा लेके फाड़ दिया, इस पर क्या सच्चाई है? हमारा खबर आया था कि जब बिरेन सिंह जी अपना रेजिग्नेशन लेटर को सबमिट करने गए थे, तो फिर जो मेरा पाईबीस है, आप सबको पता है मेरा पाईबीस जो जब हमारे राज्य में आर्मी लोग हमारे लड़कियों को रेप कर रहे थे, वो लोग ही महिलाओं के लिए खड़े थे, पर आज जब एथनिक वायलेंस ब्रेकआउट हुआ तो फिर उन्होंने अपना सारा वैल्यूज लूज कर दिए। वही लोग जो रेप के अगेंस्ट खड़े थे, वही लोग अब उनके मर्द को बोल रहे हैं, उनके बेटे से बोल रहे हैं कि हाँ वो भूखी लड़की को रेप करो, उनको ऐसा वैसा करो। तो फिर क्या मणिपुर का जो सरकार है वो मेरा पाईबीस ऐसा सिर्फ सिविल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर झुकते रहेंगे? क्या सरकार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर नहीं है? क्या लगता है, प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उन्हीं के राज में वो खुद प्रधानमंत्री हैं, उनका मुख्यमंत्री है, लेकिन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, क्या कहेंगे? ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत अच्छा स्कीम है। इसके वजह से बहुत सारे महिलाओं के जान जो खतरे में है उनको भी बचा दिए गए थे, पर मैं कहना चाहूँगी कि अगर ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है तो फिर पूरा भारत में फेयरली इक्वली इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि हमारे मणिपुर में इस पर कोई अवेयरनेस भी नहीं है। और अगर उनको इतना चिंता है देश के महिलाओं के लिए, तो फिर उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? अभी तक 2 महीने बीत चुके हैं, वो जो वायरल वीडियो लीक हुआ है रिसेंटली लीक हुआ है, पर घटना जो है बहुत पहले का है, और उन्होंने उसे भी पता होगा सब कुछ, पर उन्होंने आवाज़ तभी उठाया जब वीडियो लीक हुआ, और उससे पहले उन्हें कुछ नहीं बोला। आप लोगों को भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मजबूत प्रधानमंत्री है, कार्रवाई भरोसा रखना चाहिए, पर कितने देर और इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, हम 3 महीने से यहाँ आके प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, चिल्लाते हैं, पर हमारा किसी ने नहीं सुना, तो फिर हमारा जो भरोसा, हमारा उम्मीद जो है, हमने तो स्टेट के सरकार पे कब का भरोसा करना छोड़ दिए, पर अभी सेंट्रल जो है हमारा इतना सा उम्मीद बचा है। मैं विनती करती हूँ कि सेंट्रल के जो सरकार है, प्लीज़ हमारा ये जो आपके ऊपर छोटा सा भरोसा है, आप हमें प्रूव कर दीजिए, आप हमें दिखाइए अपने कार्य से कि हमने जो सेंटर में गवर्नमेंट चुना है, हमने जिनका वोट किया है, कि हम ना पछताएं और हम उनके ऊपर पूरा उम्मीद कर सकते हैं, और हम ये इस पर भरोसा कर सकते हैं कि हमारे जो सरकार है वो हमें भी भारत के हिस्से मानते हैं, और हम उनके लिए कुछ रखते हैं। ये बताइए, अभी विपक्ष जो है सदन में मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को सदन में आना चाहिए, मणिपुर के हालात के बारे में पूरे देश को बताना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इससे भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये जो प्रधानमंत्री आए ना आए, उससे तो हम, अगर वो आते तो हमें बहुत खुशी होगा, पर इसका मतलब नहीं है कि वो लड़ाई बंद हो जाए। उनके जाने से बंद हो या ना हो, शांति आए या ना आए, हम नहीं बोल सकते, पर हमें तो ये पता है कि अगर वो जाते भी पर उन्होंने कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया, उन्होंने उसके अगेंस्ट कुछ बोला नहीं, तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि होम मिनिस्टर भी गया था, पर उनके वहाँ होने के बावजूद फायरिंग अटैक्स ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ, उसके वहाँ रहने के समय में ही फायरिंग होता जा रहा था, हमारे ऊपर हमले किए जा रहे थे, मेटे वाले हमारे गांव में आकर हमको मारने की कोशिश कर रहे थे। क्या लगता है मणिपुर की बेटी प्रधानमंत्री को माफ कर पाएगी?
अभी तो देखिए अगर प्रधानमंत्री उनके ऊपर उन गुनहगारों के ऊपर जो सज़ा देना चाहे उनको अगर वो दे दे तो फिर पता नहीं शायद एक नया उम्मीद भी आ सकता। पर जो बीरेन सिंह है हम तो उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने एक सीएम का जिम्मेदारी होता है उनके जो स्टेट में चाहे किसी भी कम्युनिटी किसी भी भाषा बोले उनका चिंताओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए उन्हें जिम्मेदारी उठाना चाहिए। पर अभी जो हो रहा है वो सिर्फ अपने कम्युनिटी के साइड ले रहा है दूसरे कम्युनिटी का तो कोई चिंता है भी नहीं उनको। पहले सीबीआई जब गया था वहाँ के मेरा पाईवी जो है उन्होंने उनको रोक दिया था ठीक है, तो फिर वो भी अपने जान को बचाने के लिए वापस आ गए। उन्होंने ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दिया क्योंकि इससे हमें साफ साफ दिखाई देता है कि उनको डर है कि अगर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होते तो फिर पूरा भारत उनके बुरी उनके जो ईविल वेज है उनके जो प्लानिंग है उनको हम सबको बहुत अच्छे से पता चल जाए। वो ये नहीं चाहते, वो सच्चाई को छुपाना चाहते हैं तो फिर उन्होंने उनको रोक दिया था। अब मैं कहना चाहूँगी कि सेंट्रल ने भेजा है तो फिर उनको क्या प्रोवाइड नहीं कर सकते कि कई और रास्ते से या कई और मीन्स की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उन्होंने वहाँ क्यों रोक दिया।